Hello and welcome friends, my name is Suraj Kumar Tiwari and you are watching Computer and Excel Solution channel. Friends, today we are going to learn about how to use match formula in Excel. So let's start this video. आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि मैच फार्मूले को हम कैसे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मैच का फार्मूला यूज़ करूँगा और ये कमाल का फार्मूला है जो आपको रो नंबर या कॉलम नंबर दे देता है निकाल करके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे बात करते हैं इंग्लिश का कॉलम नंबर क्या है ये हमें पता करना है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इंग्लिश, ठीक है। इसके बाद हम एक रो नंबर को पता करेंगे जो है राजेश का, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ राजेश और यहाँ पे हम पता करेंगे सबसे पहले कॉलम नंबर। तो इज इक्वल टू का निशान लगाया हमने, मैच लिखा, टैब दबाया और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ यहाँ लुकअप वैल्यू आ जाती है। तो किसको लुकअप कर रहे हैं हम, तो इंग्लिश को लुकअप कर रहे हैं। यहाँ इंग्लिश पर हमने क्लिक कर लिया, कॉमा देंगे, इसके बाद आ रहा है लुकअप एरे। ये जो इंग्लिश है वो हमें कहाँ मिलेगा, वो इसी में कहीं मिलेगा, ठीक है। इस सारे सेल को लॉक कीजिए, A1 से लेके L1 तक इनको लॉक कर दिया हमने। अगर आपने लॉक करने वाला वीडियो नहीं देखा है तो सेल रेफरेंस का मेरा वीडियो जरूर देखिए कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन पे जाकर। यहां पर हम देंगे कॉमा और हमें यहां पे एग्जैक्ट मैच चाहिए, ना ही ग्रेटर देन और ना ही लेस देन। सो हमें चाहिए एग्जैक्ट मैच, तो हम यहां लिखते हैं 0, क्लोज करते हैं ब्रैकेट को और करते हैं एंटर। यहां पे आ रहा है 3, सो आइए जानते हैं कि ये 3 क्या है। ये देखिए यहां स्टूडेंट रोल नंबर लिखा हुआ है, यहीं से हमारा ये पूरा डाटा शुरू होता है। तो ये पहला कॉलम हो गया, यहां पे बी लिखा हुआ है, ये दूसरा कॉलम हो गया और यहां पे इंग्लिश यानी सी वाला कॉलम जो है तीसरा कॉलम हो गया और यहां पर यह कॉलम नंबर 3 दे रहा है। चलिए आइए देखते हैं कि यहां इंग्लिश को हटा करके हम कुछ और लिखते हैं तो क्या होता है, ठीक है। चलिए ये लिखते हैं ऑप्टेंड मार्क्स, ऑप्टेंड मार्क्स, ठीक है। यहां जैसे ही ऑप्टेंड मार्क्स लिख करके मैं एंटर प्रेस करता हूं तो यहां कॉलम नंबर 8 आ जाता है अपने आप। आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला काम कर रहा है, बहुत ही कमाल का फॉर्मूला है ये, आप इसको जरूर सीखिए। अब यहां देखिए मैं आपको काउंट करके बताता हूं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 एंड ऑप्टेंड मार्क्स इज 8। तो ये आठवां कॉलम नंबर है। आइए रो नंबर की बात करते हैं, यहां लगाता हूं मैं मैच और मैच लगाने के बाद यहां पे मैं करूंगा राजेश को सेलेक्ट, कॉमा दूंगा। अब हमें रो नंबर सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो रो कहां पे है हमारा, रो हमारा यहां पे है, ये हमारा रो है, ठीक है। तो इसको मैं करता हूं सेलेक्ट, ये हमने कर लिया सेलेक्ट, F4 दबाएंगे ताकि ये सारी सेल्स लॉक हो जाएं, कॉमा देंगे, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 देना है, बंद करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पे आ रहा है 6। आइए देखते हैं 6 क्या है। ये कॉलम रो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और ये राजेश का 6। तो आई होप कि ये बात समझ में आई होगी कि मैच फॉर्मूला कैसे काम करता है, ये हमें रो और कॉलम नंबर दे सकता है। बहुत ही आसानी के साथ इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं। आइए चलिए यहाँ राजेश को हटा करके कुछ और लिखते हैं, लोकेश लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ मैंने लिख दिया लोकेश और जैसे एंटर प्रेस करूंगा यहाँ कॉलम रो नंबर 11 आ गया। तो गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहाँ लिखा भी हुआ है 11, तो ये रो नंबर 11 पर आ गया। तो ये मैच फॉर्मूला है बहुत कमाल का, सीख लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपके। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्तों के पास, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।